आपको याद नहीं है, मेरे पास 8 सीटें थी, मैंने 6 सीटें जम्मू को दी, सिर्फ 2 सीटें कश्मीर को दी। सर, अ क्वेश्चन ऑन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट, आर यू इन टच विद गुलाम नबी आजाद? सेकंड क्वेश्चन इज वेदर सज्जाद लोन एंड अल्ताफ बुखारी विल आल्सो बी जॉइनिंग योर फ्रंट अगेंस्ट द भारतीय जनता पार्टी। एज फार एज सज्जाद इज कंसर्न एंड एज बुखारी इज कंसर्न, दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ बीजेपी, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? As far as Azhab is concerned, he has said he is not going to be there in the meet, in the fight. So there's no problem left. Sir, you said Azhab is not going to be in the fight. Has he conveyed it to you that he's not going? No, to... I read it in the paper. Okay. So no talks with him also. No, you ring him, find out. डॉक्टर साहब, जो जम्मू में लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, कई जवानों ने शहादत भी पाई है, क्या लगता है कि भाजपा जो दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हुई है, लेकिन जम्मू संभाग में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, क्या लगता है कि इसकी जिम्मेवारी कौन तय करे? जब तक बीजेपी ये नहीं समझे कि भारत के सब लोग यहाँ के आदमी हैं, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, वो भी जिसका कोई धर्म नहीं है, भारत जो है वो अनेकता में एकता है, उस अनेकता को जब तक हम लोग मजबूत नहीं करेंगे, हम भारत को मजबूत नहीं कर सकते। सर, क्योंकि चुनाव का अनाउंसमेंट हो चुका है, क्या आने वाले वक्त में आप पीडीपी और कांग्रेस के साथ दोनों से बात करेंगे, क्या अलायंस देखा जाएगा आने अगर वाले? जनरल ये कहे कि मैंने किस फ्रंट पे लड़ना है, मैं समझता हूँ जनरल ने पहले मैदान छोड़ दिया है। मैं जनरल हूँ, मैं जो करने वाला हूँ वो आपको वो सर बताऊंगा। आप चाहते हैं, आपका जो विजन है वो ब्रॉडर है, वो कहते हैं कि उमर साहब सोलो जाना चाहते हैं, लोकसभा इलेक्शंस में भी वो सोलो गए और लेट मी टेल यू आर रॉन्ग, आई वांट टू फाइट सोलो, आई वांट टू सी वेयर वी स्टैंड, इट नाउ डिपेंड ऑन द पार्टी व्हाट दे वांट टू डिसाइड। सर, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन चुका है। अरे बेरोजगारी मत छोड़ो, सिर्फ महंगाई कम है, महंगाई भी आसमान से छू रही है। आपके महंगाई कम करवाने का रोड मैप आप देखिए जनाब, अगर आ गए मैं, अगर आपको भी महंगाई कम ना कर दूं तो मुझे फारूक स्मार्ट मीटर जो है, आपकी अगर सरकार आती स्मार्ट मीटर पर क्या निर्णय लेंगे? पहले तो मैं आपसे एक कहूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप वो मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें हमने सब लिखा है। कब तक मैनिफेस्टो लॉन्च होगा? आज हमारे भारत में किसी भी रियासत को ले लीजिए, यूपी को ले लीजिए, क्या वह हमारी माँ बहन की इज्जत रहती है? कितनों को रेप नहीं किया, कितनों को रेप करके मार नहीं गया, मुझे बताइए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट लाओ कि वो अपने लिए खड़ी हो सके, बड़ा अफसोस का मुद्दा है कि एक डॉक्टर औरत और जिसने मारा, ना सिर्फ रेप किया, मारा, तो उसका नाम ना निकले। अब वहाँ की गवर्नमेंट तक है, उसको कैसे ढूंढेंगे, उसको क्या सज़ा देंगे? ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस जब चुनावों में जाएगी, किस किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि बीजेपी, मैंने आपसे कोई चीज भाई नहीं सर, पहले कान यहाँ से पकड़ो, फिर कान साहब मेरा मैनिफेस्टो देखेंगे आप, उसमें आपके सारे जवाब, एवरीथिंग दे हैव बीन वर्किंग फॉर मंथ ऑन दैट मैनिफेस्टो, so there is not a single thing that will not be on that manifest. डॉक्टर साहब, कोलकाता वाला जो डॉक्टर वाला इशू है, उसमें आज ममता बनर्जी सड़कों पे उसी जस्टिस की मांग कर रही है। मैं बंगाल से नहीं हूं, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ ममता जी एंड हर, डोंट इन्वॉल्व मी विद बंगाल। डॉक्टर साहब, ईवीएम मशीन पर आपने कुछ आज कहा था, ईवीएम मशीन को टेंपर किया जा सकता है, ईवीएम मशीन को टेंपर किया जा सकता है, आपने क्या कहा वो जरूर तकरीर में? आप मुझे ही क्यों पकड़ रहे हैं? सारे गठबंधन ने दिखाया आपको, दिखाया नहीं आपने? आपने कमलनाथ का सुना नहीं क्या हुआ कि वोट हाथ को जाता था और वो फूल निकलता था, आपने देखा? बल्कि एक जगह तो सरपंच जो वहां का था, उसके सारी फैमिली ने हाथ को वोट दिया था, और वहां देखा, वहां सब फूल था।
जम्मू कश्मीर में भी हैप्पी इसीलिए मैं कहता हूँ, देखिए शुक्र है अल्लाह का कि कपिल सिब्बल साहब ने बहुत ज़बरदस्त इसमें स्टडी की और एक फॉर्मेट बनाया है। जितने भी हमारे वहाँ पे एजेंट्स होंगे वो फॉर्मेट उनके पास होगा, वो मशीन को देखेंगे और जब मशीन वोटिंग ख़त्म हो जाएगी उसको सील करके जाएगी, वो भी देखेंगे। ये भी मैं आपको बता दूँ, आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोग आपको देखते हैं, ये आपकी भी जिम्मेवारी है देखना कि वहाँ टेम्परिंग हुई है या नहीं हुई। अब मुझे ये बताइए, आज तक इलेक्शन कमीशन इसका जवाब नहीं दे सका कि 5 लाख वोट गए हैं, 4 लाख ही थे वो कहाँ से आए, या 4 लाख वोट थे वहाँ 3 ही लाख पड़े हैं वो कहाँ गए, आज तक इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे सका। डॉक्टर साहब, जो जम्मू रीजन में आतंकी गतिविधियों में इजाफा हुआ है, क्या इस पर आप कहेंगे, क्या ये भी आपके लिए चुनावी मुद्दा रहेगा इन चुनावों में? क्यों रहेगा, क्यों? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी फौजें इंपॉर्टेंट है, इट्स फॉर देम टू आंसर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आतंकवाद कैसे बना। वैसे पहले हम पे लगाते थे ना, कहते थे ना कि 370 इसके जिम्मेवार है, 370 की वजह से स्टेट पीछे रह गई है, 370 की वजह से ये आतंकवाद बना है, आज तो 370 नहीं है। आप भूल गए गुलाम नबी आज़ाद साहब की वो तकरीर जो उन्होंने पार्लियामेंट में की थी राज्यसभा में, और वहाँ 2 स्टेट्स का आंकड़ा उन्होंने रखा था, एक गुजरात का, एक जम्मू कश्मीर का। उसमें जम्मू कश्मीर हर हर चीज़ में गुजरात से आगे थी। मैं समझता हूँ उसी दिन को आग लग गई, किसी जम्मू कश्मीर को नहीं चला। दरबार मूव को लेकर कुछ कहेंगे? दरबार मूव को लोग, दरबार मूव को लेकर कुछ कहेंगे सर? देखिए साहब, दरबार मूव किस लिए था? इन 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए कि हमारे ताल्लुकात और बेहतर बने, कि गर्मियों में वहाँ आए और हमारी मुश्किलें दूर करें, और सर्दियों में यहाँ आए तो यहाँ के लोगों की मुश्किलें दूर करें। महाराज साहब पागल नहीं थे, ये महाराज साहब के वक्त से चल रहा है, और 370 जो आप कहते हैं ना, ये 1927 में महाराज साहब ने किया था, उस वक्त पंजाब था, डर ये था कि बाहर के लोग आने सब आए और हमारे लोकरियों पर और हमारी ज़मीनों पर कब्जा करें, दोबारा शुरू करेंगे। आज तो शुरू हो गया, आज और बजाओ, तालियां बजाओ, मिठाइयाँ खाओ, मर तो तुम ही जाओगे, हमारे यहाँ तो कोई नहीं आने वाला। मुझे मेरे ख्याल से उनसे टेलीफोन करना पड़ेगा, मुझे नंबर बता दीजिएगा, मैं उनसे कहूँगा भाई लोग बंद करो, इलेक्शन में कुछ नहीं करना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो कहते हैं राजनीति में कुछ भी हो सकता है, क्या आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि भाजपा के साथ गठबंधन करना पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को? देखिए, जो भी गवर्नमेंट यहाँ आएगी उसे सेंटर के साथ अच्छे सलूक रखने पड़ेंगे, वो कोई भी हुकूमत तभी ये रियासत आगे चल सकती, उसके बगैर रियासत चल नहीं सकती। चलिए, थैंक यू, हो गया, और कोई सवाल तो नहीं है?